अयोध्या नरेश, आपके ज्येष्ठ पुत्र के मुख पर ऐसी आभा है जैसे सूर्य देव ने इनके मुख को सुशोभित करने में अपना गर्व माना हो। इनकी मुस्कुराहट में चंद्रमा सी शीतलता है। ऐसे गुणवान और शीलवान बालक का नाम होगा अर्थात सुंदर, सबको मोह लेने वाला, सबके मन को शांति देने वाला एक नाम राम। अरे दुर्भाग्य मेरे, कैसा तू सिखा मेरा? राम राम का जाप लगा है, भूल मेरी कैकई। रे निर्दयी लोगों, आगे बढ़ो। कैकई नंदन, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले दशरथ व कैकई नंदन कहलाएंगे भरत। भरत, हाँ, भरत, नाम मीठा, जैसे किसी ने कानों में मिश्री खोल के उठेल दियो। अब सुमित्रा नंदन, अग्नि के ताप को अपने भीतर समाये हुए शुभ लक्षणों के धाम कहलाएंगे लक्ष्मण। लक्ष्मण, मेरा लाडला लक्ष्मण, अग्नि का ताप समाये लक्ष्मण। लक्ष्मण और इनके जुड़वा भ्राता, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, 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 शत्रुघ्न। हे राजन, आपके ये चारों पुत्र संपूर्ण संसार में आपके रघुकुल का नाम ऊंचा करेंगे। सत्य, कर्तव्य, उत्तरदायित्व व नीति के मार्ग पर चलते हुए आदर्श पुरुष कहलाएंगे। ऐसे होंगे मेरे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ऐसे होंगे तो अयोध्या को तीर्थ ही बना दिया। देखिए कितना हर्षोल्लास है वहां पर। हे महादेव, प्रभु का जहां मंदिर बन जाए वहां भी सुख छा जाता है, तो यहां तो साक्षात प्रभु जन्म है, तो हर्षोल्लास कैसे ना होता। हे ब्रह्मदेव, क्यों ना प्रभु के साक्षात दर्शन के लिए अयोध्या चला जाए। देवाधिदेव, हमें भी तो ले चलिए प्रभु के दर्शनों के लिए। हमें भी प्रभु की लीला देखनी है। चलिए देवगण। रमापति के दर्शन को चले हैं उमापति
शिव ब्रह्मा जी संग वेश ऋषियों का बनाए के अंतरिक्ष लोक से प्रकट हुए अयोध्या में जगतपति जगत पितु दल देवों का सजाए के प्रणाम ऋषिवर कीर्तिमान भव सौभाग्यवती भव आप सबके मुखमंडल का तेज बता रहा है कि आप कोई साधारण ऋषि नहीं कोई दिव्य आत्माएं या दैवीय शक्तियां हैं धन्य हुई अयोध्या जो आपके चरण यहां पड़े हे महाराज दशरथ हम सब श्री राम के दर्शन की प्यास लिए आए हैं कृतार्थ करें ये तो हमारे राम का सौभाग्य है ऋषिवर उसे आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा कृपया पधारें ये है मेरे पुत्र राम प्रणाम प्रभु आपकी लीला देखने बड़े उत्सुक होकर आए हैं हम हे देव क्षमा कीजिएगा मानव शरीर में अवतार लेकर मैं इसकी मर्यादाओं से बंधा हूं हे कैलाशपति मेरे इस अवतार का उद्देश्य केवल पाप और पापियों का नाश करना ही नहीं अपितु संसार के सामने धर्म सत्य नीति और मर्यादा की स्थापना करना भी है संसार को यह बताना है कि मानव शरीर में जन्म लेने के उपरांत ईश्वर भी इस शरीर की मर्यादाओं का सम्मान करते हैं हे देवादिदेव हे ब्रह्मदेव मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे समस्त कार्यों में मुझे आपका सहयोग मिले हे प्रभु देवताओं ने वानर रूप में अपने अंश पृथ्वी पर भेजे हैं जो समय आने पर आपकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे महाराज पता नहीं परंतु हमें ऐसे लग रहा है जैसे मेरे राम इन महर्षि मुनियों से कुछ कह रहे हैं देवी मां की ममता अपने पुत्र में अलौकिक शक्तियां देख रही है ये नन्ना बालक कैसे बोल सकता है अभी तो उसने बोलना भी नहीं सीखा है हे देव आशीर्वाद दें कि मेरे इस मानव शरीर से ऐसा कुछ ना हो जाए जो एक पुरुष की मर्यादा को शोभा न दे निश्चिंत रहिए संसार युगों युगों तक पुकारेगा मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषिवर आपने अभी अभी कुछ कहा क्या शुभम भव आभार आपका हम अभी आते हैं कहां चले गए ऋषिवर
चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे चाहिए मुट्ठी में, अब बता कहाँ छुपा के रखा है? किसका राम? मेरा? हाय रे मेरी भोली ढपोली रानी, स्वयं के आंगन का पौधा सूखा जाए, दूजे की क्यारी सजाए। कुबड़ी, तू अच्छी तरह से जानती है कि हम तीनों बहनों में इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि किसने किसको जन्म दिया है। यहाँ यहाँ मेरे राम मेरे साथ हैं, तो वहां अवश्य ही कौशल्या दीदी के साथ मेरा भरत होगा। राम के साथ खेलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ईश्वर दर्शन हो गए हो। ईश्वर का क्या करोगी, तुम्हारा संसार तो मेरे भरत में ही दिखेगा। भरत में मन लगाओगी तो ईश्वर को भूल जाओगी, और तू यदि राम में मन लगाएगी तो अपने आप ही को भूल जाएगी। बुरी दृष्टि लगे मेरी इन दोनों के प्रेम को। महादेव, काकभूषणी श्री राम के दर्शन हेतु अयोध्या जा रहे हैं। आज भक्त और भगवान का मिलन है। नहीं ब्रह्मदेव, आज एक अहंकारी के अहंकार का दमन है। अहंकार? महादेव, काकभूषणी तो श्री हरि के सबसे बड़े भक्तों में एक है, उनमें अहंकार कहां? इसी बात का तो अहंकार हो गया है। हे महादेव, प्रभु दयालु कृपालु, भक्त में अवगुण आ भी जाए तो वो उसे अपने तरीके से ही निपटेंगे। प्रभु की लीला देखिए और आनंद लीजिए। यहां छुपे हो? यूं ही सता रहे थे?
अब यहाँ चुपचाप बैठे रहना, हम अभी आते हैं। एक साधारण स्त्री की डांट खाकर बैठ गए ये तीनों लोगों के स्वामी? हो ही नहीं सकता। कदाचित महादेव को कोई भ्रम हुआ है, ये मेरे सर्वशक्तिमान विष्णु हो ही नहीं सकते। शुंडी ने हरि के हाथ से ग्रास, प्रभु शिशु सम रोने लगे होकर व्यथित उदास, काग का गया विश्वास। काग को संदेह हुआ, क्या यही है महाविष्णु नारायण हरि जिन्हें निगम बताते हैं? राम जी का हाथ काग भुशुंडी के साथ चला, जहां जहां जिस जिस लोक में जाते हैं। राम से बड़ा ना सांच, राम की करे जो जांच, किसकी ग्रीवा पे कहो इतने माथे हैं। जहाँ है श्री राम वहाँ शंका का प्रभु, क्या काम? क्षमा क्षमा करें प्रभु, वो ऐसी ही त्रास पाते हैं। हर युग में भक्ति के प्रति बने रहो। भाग्य मेरा, अहो भाग्य। तथास्तु। जा मेरे प्यारे सो जा,
जा मेरे प्यारे सो जा राम लला राम जगाऊं आपके लाडले को? नहीं नहीं सोने दो उसे। तो क्या अयोध्या नरेश सारी रात ऐसे खड़े खड़े निहारते रहेंगे अपने पुत्र को? थक जाएंगे महाराजा। संसार का ऐसा कौन सा पिता होगा भला जो राम जैसे पुत्र को देखने में थक जाए। मन ना थके परंतु शरीर तो निद्रा चाहेगा ही ना। अब चलिए कल प्रातः राम अपने भाइयों के साथ कंदू खेल खेलने वाले हैं। कहीं राम ने आपको खेल के बीच में बुला लिया तो कहीं खेलते खेलते आप थक के सो ना जाए। खेलूंगा भरत तुम्हारा का देखिए ना शत्रुघ्न को भरत का साथी नहीं छोड़ता। कभी राम की ओर से भी खेले। सुमित्रा लक्ष्मण अपने बड़े भैया की ओर से किसी को खेलने का अवसर दे तब ना। गुरु वशिष्ठ ने सही कहा था राम लक्ष्मण की जोड़ी और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी सदैव बनी रहेगी। क्या कही खेल की विवशता है कि भाई भाई के विरुद्ध खेले। जीवन में तो चारों भाई एक दूसरे पे इतना प्रेम करते हैं कि समय आने पर एक दूसरे के लिए प्राण भी समर्पित कर सकते हैं। आपने गेंद जानबूझकर विजय स्तंभ के भीतर नहीं डाला ना? भरत ऐसा कौन सा सुख है जो मुझे अपने भाई की हार से मिले? किंतु राम भैया ऐसे तुम हार गए ना। लक्ष्मण अपनों से हारने में ही तो सच्ची जीत है। और फिर ये तो मात्र एक खेल है। यदि भविष्य में ऐसा समय आया तो अपने भरत के लिए सब कुछ हारने से भी मैं पीछे नहीं हटूंगा।
आरंभ करें। पहला निवाला राम के लिए, ये पुत्र। बस मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है। भरत, बिना खाए पेट कैसे भर गया? खाने का मन कैसे करे राम भैया, पिताजी हमेशा आपको ही खिलाते हैं, हमें तो कभी नहीं खिलाते। हाँ, नहीं खाना मुझे भी, मेरा भी पेट भर गया है। यदि राम भैया कहेंगे तो मैं विवशता में खा लूंगा, नहीं तो मेरा भी पेट भरा समझो। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पिता के प्रेम पर संदेह? पिताजी हम सबसे एक समान प्रेम करते हैं। तो पहला निवाला हमें क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि पिताजी चाहते हैं कि वो सुख मुझे मिले। पिता तो अपने पुत्र को खिलाते ही हैं, परंतु ऐसा सौभाग्य किस भाई का जो अपने भाइयों को अपने हाथों से वो भोजन खिला सके। वाला तुम मेरे हाथ से खा लो। नहीं महारानी, अब तो हम तभी खाएंगे जब राम स्वयं अपने हाथों से हमें खिलाएगा। देखिए ना, दोपहर में भोजन के समय भी उसने अपने तीनों भाइयों को अपने हाथों से खिलाया, किंतु हमें नहीं खिलाया। महाराज, मेरे राम की प्रशंसा कीजिए, कितनी सरलता से उसने अपने रूठे हुए भाइयों को मना लिया, वो भी अपने पिता की लाज रखते हुए। राम ने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। अयोध्या नरेश रघुकुल वीर को किस बात की चिंता? चिंता अयोध्या नरेश की नहीं, एक पिता की है। हम ये सोचकर चिंतित थे कि गुरुकुल पहुंचने के पश्चात अयोध्या के चारों राजकुमार वहां कैसे रहेंगे। किंतु आज हमने ये जाना कि राम सबको संभालने का सामर्थ्य रखता है। गुरुकुल? हाँ, गुरुकुल। अब समय आ गया है कि हम अपने चारों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कर उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेने हेतु महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल भेजते हैं। किंतु महाराज, अभी अभी तो अभी तो छोटे हैं वो। जानते हैं महारानी, किंतु मिट्टी तभी तक सही आकार ले पाती है जब तक कि वो गीली हो, कच्ची हो। पक जाने के पश्चात उसे आकार देने का प्रयत्न करने पर वो टूट जाती है। संतान के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता को अपना हृदय कठोर कर कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। अब वो समय आ पहुंचा है
कि हम अपने चारों राजकुमारों को गुरुकुल भेजते हैं। प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। हम तुम चारों को आज अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आयुष्मान भव, है शिष्यों, गुरु की पदवी भले ही सबसे ऊंची मानी गई, किंतु तुम लोगों को सदैव गुरु के गुणों को ही अपनाना है, गुरु के अवगुणों को नहीं। आज और इसी क्षण से तुम सब की शिक्षा आरंभ होती है। यदि ऐसा है गुरुदेव, तो आपकी अनुमति लेकर क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो। गुरुदेव, उपनयन का अर्थ क्या होता है? राम, नयन का अर्थ होता है आंख, अर्थात दृष्टि, और उपनयन का अर्थ होता है नई दृष्टि। इस यज्ञ पवित्र संस्कार के द्वारा एक गुरु अपने शिष्य को नई दृष्टि प्रदान करता है। और यज्ञ पवित्र का अर्थ गुरुदेव? यज्ञ का अर्थ होता है सृष्टि, के गुरु अपने शिष्य को इस सृष्टि को नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करता है। इस यज्ञोपवीत के तीन तार हैं, और ये संपूर्ण संसार भी तीन गुण लिए हुए हैं, सत, रज और तमस। इस यज्ञोपवीत के द्वारा एक गुरु अपने शिष्यों के शरीर को इन्हीं तीन गुणों में बांधता है। अब तुम चारों मेरे साथ इस संसार के मूल मंत्र का जाप करो। शिष्यों, अब तुम्हें अपनी और अपने गुरु की भूख शांत करने के लिए भिक्षा मांगनी आरंभ करनी। गुरुदेव, भिक्षा? हां भरत, भिक्षा भी एक प्रकार की शिक्षा ही होती है, जो हमें झुकना, विनम्र होना सिखाती है। राजकुमार हो या साधारण बालक, यह हमारे अहंकार को नष्ट करती है। यह भिक्षा हमें सिखाती है कि समय कभी एक समान नहीं रहता, वो परिवर्तनशील है। देने के लिए उठने वाले हाथ कभी कभी संसार के सामने लेने के लिए फैलाने भी पड़ते हैं। उदासी भिक्षा में ही भवति
भिक्षां देही, भवति भिक्षां देही, माते भिक्षां देही। चारों ब्रह्मचारी गुरुकुल के लिए प्रस्थान करेंगे। शिष्यों, गुरुकुल जाते समय अपने माता पिता या अपने घर को मुड़कर देखना मना है। मुनिवर, गुरुकुल अभी? हाँ महारानी, नीति के अनुसार इन्हें भिक्षा प्राप्त करते ही इस भिक्षा को लेकर गुरुकुल में गुरु मैया के चरणों में अर्पित करना होगा। मुनिवर, मैं रथ तैयार करवा देती हूँ। नहीं महारानी, अब ये चारों हमारे शिष्य हैं, अब ये पैदल नंगे पांव चलकर हमारे साथ गुरुकुल जाएंगे, क्योंकि एक ब्रह्मचारी के लिए किसी भी प्रकार की सवारी वर्जित है। आप सबका कल्याण हो। चलो शिष्य। मुनिवर तो दुनिया से नाता तोड़ बैठे, पर हम तो नहीं ना। हमारी ममता को तो देखते यज्ञ करते ही ले गए उन्हें। वो भी पैदल, उनके छोटे छोटे पांव उनमें जब कांटे और कंकर चुभेंगे तो पीड़ा ना होगी उन्हें। गुरु का अधिकार है अपने शिष्यों पर, किंतु हमारा अपनी संतानों पर जो अधिकार है उसका क्या? हम यहां महलों में और वो कुटिया में, हम यहां पकवान खाएंगे और वो भिक्षा में मिला धान, कैसे जिएंगे हमारे पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे जिएंगे?